बंकिम चंद्र है आपकी। अब इसका प्रश्न निर्माण करना है तो क्या आएगा, प्रश्न निर्माण में न्यायाधीश कह आसित, अर्थात न्यायाधीश जो दिया है कौन था, तो यहाँ पर आएगा कह, ठीक है ना, यानी न्यायाधीश कौन था। अब है सह भार वेदनया क्रदंती स्म, वह भार की पीड़ा से रो रहा था। तो अब ये जो रेखांकित है वह है भार वेदनया। अब प्रश्न निर्माण जो हम करेंगे वो आएगा सह कया क्रदंती स्म, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न निर्माण आया कया, यानी वह किससे रो रहा था, ठीक है ना। फिर इसके बाद है उभौ श्रवम चत्वरे स्थापित वंतौ। अब यहाँ पर जो है ये रेखांकित शब्द है चत्वरे। अब यहाँ पर क्या, दोनों ने शव को चौराहे पर रख दिया। अब यहाँ पर जो आएगा वो आएगा प्रश्न निर्माणम उभौ श्रवम कुत्र स्थापित वंतौ। कुत्र माने कहाँ, ठीक है ना, यानी दोनों ने शव को कहाँ रख दिया, ये आया। चलिए आप प्रश्न देखिए, यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश उत्तर दीजिए। जैसे दिया है आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम अत्र किम कर्त त्रिपदम, यानी यहाँ पर आएगा उभौ, क्या आएगा उभौ। एतेन आक्षिणः आर्षिणः आध्वनि यदुक्तम तत्र वर्णयामि अत्र मार्गे इत्यर्थम किम पदम प्रयुक्तम, ठीक है ना। तो तर्क क्या आएगा, आध्वनि। फिर आएगा करुणा पड़े ग्रही तस्मै आश्रम प्राच्यत अत्र तस्मै इति सर्व पदानाम कस्मै प्रयुक्त अतिथये, है ना, अतिथये। ततो असौ तौ अग्रमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान अस्मै वाक्य किम क्रियापदम, तो दुष्कार्यापि कर्माणि मति वैभवशालिना अत्र विशेष, इसमें कौन सा विशेष पद है, तो इसमें आएगा कर्माणि, ठीक है। फिर है अब देखिए यहाँ दिया है संधि, संधि विच्छेद, संधि करना है या संधि विच्छेद, संधि और संधि विच्छेद कीजिए। तो दिया है पदाति रे, तो पदाति धन एक, निशांधकारे निशाधन अंधकारे, अभिधन आगतम अभ्यागतम, भोजन धन अंते भोजन भोजनांते, चोरो अयम चोर धन अयम चोरह धन अयम, ग्रह अभ्यंतरे ग्रहाभ्यंतरे, लील्येव लील्या धन एव, यदुक्तम यदधन उक्तम, प्रबुद्ध धन प्रबुद्धा धन अतिथि प्रबुद्धो अतिथि। ये जो संधि या संधि विच्छेद हैं आपके ये पाठ के हैं, ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना। चलिए आप देखिए यहाँ लिखा है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रतानि तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्ट प्रत्यानामधा लिखत। जो नीचे लिखे शब्द है वो भिन्न भिन्न प्रत्यांत है, उनको अलग करके निर्दिष्ट प्रत्ययों के नीचे लिखना है। जैसे ये परिश्रम उपार्जितवान दाप्यतु प्रसिता है दृष्टुम व्याह प्रश्वान प्रविष्टा है ना आदाय क्रोशतुम नियुक्ता नीतवान निर्णतुम आदिष्टवान समागत मुदिता, ये दिए हुए। अब चलिए देखिए यहाँ पर, तो जो यहाँ पर दिया है लप प्रत्यय प्या प्रत्यय, यानी ये लिप यानी य प्रत्यय ता प्रत्यय तब तु प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, ये दिए हुए हैं आपको, इनको बताना है जो हमने ऊपर पढ़े शब्द जो प्रत्यय पढ़े कौन कौन से। तो ये देखिए य प्रत्यय में क्या आएगा, परिश्रमस्य विहाय आदाय समागत्य, तामे प्रस्थितः प्रविष्टः नियुक्तः मुदितः, ठीक है। तब तु में उपार्जितवान पृष्टवान नीतवान और आदिष्टवान, तुम उनमें दापयतुम दृष्टुम कोशितुम निर्णयतुम, सब में देखिए तुम लगा है, ठीक है। चलिए अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्त, आपको नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तन करना है। जैसे दिया है कह वस्यानम विहाय पादित्रेव गंतुम निश्चयम कृतवान, तो क्या आएगा, ते बस यानानी विहाय पादितेरेव गंतुम निश्चयम कृतवंता, क्या जाएगा कृतवंता। चौरा ग्राम में नियुक्ता राजपुरुष आसीत, तो चौरा ग्रामेशु नियुक्ता राजपुरुष आसन, कश्चन चौरा ग्रहाभ्यंतरम प्रविष्ट,
क्या आएगा? केशन चौराह भ्यांतरम प्रविष्टा अनियदु तौ न्यायालय स्वास्व पक्षम स्थापित वंतौ अद्ययु ते न्यायालय स्वास्व पक्षम स्थापित वंता। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आएगा। चलिए फिर दिया है कोष्ठक केसु दत्तेसु पदेसु स्थान निर्दिष्टाम विभक्तम प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूर्यत। कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में जैसा निर्दिष्ट विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को करना है। ठीक है ना, तो इसमें दिया हुआ पूरा तो किस प्रकार से इसमें आएगा, है ना। तो ये आपको पूरे क्या करने हैं, करने हैं तौ सान स्कृत बहिर्गत बहिर्गच्छत गृह शब्द पंचमी गृहस्थ आश्रम प्राक्षत है ना अतिथि शब्द चतुर्थी तौ इसमें दिया है खालिस्तान प्रति प्रस्तुत न्यायाधीश कारणी शब्द द्वितीय फिर यहाँ पर दिया चौभियोग तम वर्ष कारण से इदम शब्द सप्तमी चौरस्य है ना प्रबुद्ध अतिथि पाद ध्वनि शब्द तृतीय। इस प्रकार से इसको क्या करना है, करना है पूरा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो विचित्र साक्षी वाला पाठ है उसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ाए समझाए आप लोगों को परीक्षा के लिए, इनके जो संधि दिए हैं जो प्रत्यय दिए हैं जो प्रश्नोत्तर दिए हैं एक पदे न अधोलिखित वाले सबको याद करना है। धन्यवाद।